हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट वे स्ट्रीम। मैं सुशील कुमार विश्वकर्मा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया जो कि एसएससी ग्रुप डी और एनटीपीसी में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जो कि एसएससी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी को सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अणु में परमाणुओं की आक्सीकरण संख्या का योग होता है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा क्या है? -1। ऑप्शन नंबर बी है 2। ऑप्शन नंबर सी क्या है? +1। ऑप्शन नंबर डी है 0। तो दोस्तों मैं आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी वाला क्या है, राइट है, जिसमें क्या होता है इसे आक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इक्वेशन है Pb+CL2 प्लस इक्वेशन बन रहा है क्या? PbCl2। तो दोस्तों इसके साथ जो रिएक्ट करेगा यहां से हो जाएगा, इसको डिस्प्लेसमेंट कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर देगा, कितना बनेगा? लेड बनेगा और क्या बनेगा, यानी लेड क्लोराइड बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो एक्स जब कहना है कॉपर आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है दोस्तों, राइट है। ठीक है, अगला है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड का अनऑक्साइड फॉर्म है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? स्लेट लाइम। ऑप्शन नंबर बी है क्विक लाइम। ऑप्शन नंबर सी है लाइमस्टोन। ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसमें क्या, लाइमस्टोन हमारा क्या होता है? CaCO3 होता है। और इसमें क्या होता है? क्विक लाइम जो होता है जो खाने वाला चूहा कहते हैं, और स्लेट लाइम क्या है? बुझा हुआ चना चूना होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो क्विक लाइम हमारा क्या है, ये राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीकरण होता है CaO का ऑक्सीकरण किया जाता है तब जाके स्लेट लाइम बनता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में शामिल नहीं है? हाइड्रोजन के जोड़, ऑक्सीजन के जोड़ और हाइड्रोजन का निकलना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता रहा हूँ क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों क्या ऑक्सीकरण में क्या क्या होता है, ऑक्सीजनों का योग होता है और हाइड्रोजनों का निकलना होता है। तो इसमें हाइड्रोजनों का जोड़ क्या है? नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ नहीं है, बाकी सब है। अगला है हाइड्रोजन जोड़ नहीं है। अगला है लोहे पर जंग का कारण है। तो लोहे का जंग दोस्तों आपको लोग बता थे कि क्या, जब लोहे पर ऑक्सीकरण हो जाता है तो लोहे पर जंग लग जाती है। तो ऑक्सीकरण ऑप्शन एक राइट है, क्योंकि कार्बनीकरण होगा नहीं, अपचयन होगा नहीं, अक्षय होगा नहीं। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है जिसे कारण जंग लग जाती है। अगला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? दोस्तों मैं आपको बताया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होता है इलेक्ट्रॉनों क्या करता है, त्याग होता था। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉनों का दान होता है, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनों का दान होता है, न्यूट्रॉनों का दान होता है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, दान होता है। क्या होता है? दान होता है। नेक्स्ट हमारा है वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन एक साथ संपन्न होकर कहलाती है। दोस्तों कल ही मैं बताया था जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए फेरल अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी डीनग अभिक्रिया, ऑप्शन डी है कीराल अभिक्रिया। तो दोस्तों हमारा क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या राइट आंसर है। अगला है इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अपचयन विकिरण, इनमें से कोई नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ में आ गया, इसके क्वेश्चन भी समझ में आ गए। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।